अगर आप सुबह जल्दी उठना चाहते हैं और अगर आप फिर भी नहीं उठ पा रहे हैं तो इसका मतलब साफ है कि आपके पास वो ताकत ही नहीं है जिस ताकत के दम पर आप अपनी सुबह को फतह कर पाओ। या तो तुम अपने कंफर्ट जोन को छोड़ दो या फिर तुम्हारी मंजिलें तुम्हारे लक्ष्य तुमको छोड़ देंगे। लोग उठ तो जाते हैं लेकिन अपने बिस्तर को छोड़ नहीं पाते। रात को तो वो मोटिवेट होते हैं सुबह जल्दी उठने के लिए, फिर सुबह जल्दी उठकर मॉर्निंग वॉक पर जाऊंगा, पढ़ाई करूंगा, एक्सरसाइज करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। लेकिन जितना ज़्यादा हम रात को मोटिवेट होते हैं सुबह उठकर हम उतना ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाते हैं। सुबह सबसे पहले अलार्म का बजना और उसके बाद तुम्हारा उठकर उस अलार्म को बंद करना और फिर उठने के बजाय अपने बिस्तर को छोड़ने के बजाय खुद को ये झूठा दिलासा देकर सो जाना कि कल से पक्का उठूंगा, और इस पूरी प्रोसेस में मुश्किल से एक मिनट भी नहीं लगता। अपने अलार्म को बंद करके फिर से सो जाने के बीच का जो टाइम होता है ये टाइम इनडायरेक्टली आपकी पूरी लाइफ कंट्रोल कर रहा है। और आपको क्या लगता है कि आप खुद को थोड़ा पुश करोगे, थोड़ा इफेक्ट लगाओगे तो क्या आप सुबह जल्दी उठ पाओगे? और ज़बरदस्ती भी आप मुश्किल से दो चार दिन उठ पाओगे, उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप उन लोगों को बारीकी से ऑब्जर्व करोगे जो बिना किसी परेशानी के बिना किसी इफेक्ट के सुबह जल्दी उठ जाते हैं तो उसकी सिर्फ आपको एक ही वजह मिलेगी कि उनका सपना, उनका लक्ष्य, उनकी मंजिल उन्हें अलार्म से पहले जगा देती है। उनकी मंजिल में उनके अलार्म से 10 गुना ज़्यादा आवाज़ होती है और उनके हौसलों में उनके कंफर्ट जोन से 100 गुना ज़्यादा ताकत होती है जो बिना किसी संघर्ष के एक उत्साह के साथ में उन्हें तुरंत बिस्तर से खड़ा कर देती है और उनके अंदर से एक आवाज़ आती है, चल उठ खड़ा हो, तू भूल नहीं सकता अपने लक्ष्य को, तू भूल नहीं सकता लोगों के ताने को जो तुझे हर वक्त अंदर ही अंदर तंग करते रहते हैं, तू भूल नहीं सकता उन सारे आंसुओं को जो तूने अकेले में बहाए हैं, तू भूल नहीं सकता अपने माँ बाप की सारी उम्मीदों को जो वो तुमसे उम्मीद लगाए बैठे हैं, तू भूल नहीं सकता उन सारे वादों को जो तूने उस वक्त किए थे जब तू जिंदगी के सबसे कठिन वक्त से गुजर रहा था और खुद से किए हुए वो वादे पूरे करने के लिए वो सब कुछ कर जो तुझे करना पड़ेगा। जल्दी उठना पड़ेगा, उठूंगा। ज़्यादा काम करना पड़ेगा, करूंगा। आलस को छोड़ना पड़ेगा, करूंगा। लोगों के ताने सहने पड़ेंगे, करूंगा। ज़्यादा किताबें पढ़नी पड़ेगी, करूंगा। न्यू फ्यूचर को ब्राइट करने के लिए अगर काली रातों को जागना पड़ेगा तो जागूंगा। अरे वो सब कुछ करूंगा क्योंकि मुझे करना पड़ेगा, क्योंकि मुझे प्यार है अपने सपनों से और उन सपनों के लिए की गई मेहनत से। अरे पूरी दुनिया से आगे निकलने के लिए मुझे करना ही क्या है, उसके लिए दो चार घंटे ज़्यादा मेहनत ही तो करनी है। अरे उनसे ज़्यादा मेहनत करने के लिए, उनसे ज़्यादा काम करने के लिए तुम्हें ज़्यादा टाइम चाहिए, और ज़्यादा टाइम चाहिए। तुम्हें थोड़ा जल्दी उठना पड़ेगा। या मत कहो कि थोड़ा सा सो लूँगा तो क्या बिगड़ जाएगा। ये तुम्हारे दिल की नहीं बल्कि तुम्हारे मन की आवाज़ है और ये मन तुम्हें बर्बाद कर देगा। थोड़ा सा सो लोगे तो क्या हो जाएगा? अरे थोड़ा सा जाग लोगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा ज़्यादा काम कर लोगे तो क्या हो जाएगा? थोड़ा ज़्यादा पढ़ाई कर लोगे तो क्या बिगड़ जाएगा? कुछ नहीं होगा और कुछ नहीं बिगड़ेगा, बल्कि जो बिगड़ने वाला है वो भी सही हो जाएगा। आदतें तुम्हारी खराब हैं और दोस्त जो भी जिंदगी को कि जिंदगी झंड है, झंड जिंदगी नहीं, झंड तुम्हारी आदतें हैं। वक्त आपका है, जिंदगी आपकी है, चाहे तो सोना बना लो या फिर सोने में गुजार दो। अरे तू वो अंतर सागर है जिसका कोई अंत नहीं, तू एक गीदड़ की भांति नहीं बल्कि एक शेर की तरह जीने आया है जिसका जन्म ही राज करने के लिए होता है। और इस वीडियो के अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहूँगा, जब तुम्हारी आंखों में सपने होते तब तुम्हें किसी का बाप भी नहीं रोक सकता सुबह जल्दी उठने के लिए। ऑल द बेस्ट।